अगस्त का मंथ है, ये अदरक है, अदरक को हम ग्रो करेंगे। उससे पहले हम हल्दी की तरह और हल्दी पोटैटो इनकी तरह ही हम इनको बाहर ही थोड़ा सा इसको उगा लेंगे ताकि हमारा जो सॉयल में प्रोसेस है वो कम हो। तो अब हम इसको डिब्बे में हम इसको ग्रो करते हैं, देखते हैं कि उसकी कैसे रूट्स बनती हैं। इसको टुकड़ों में काट लेंगे। टुकड़ों में काटने के बाद ये कट एंड ड्राई ड्राई कर लेंगे इनको 2 दिन की धूप लगाकर, ताकि ये हम अगर इसको थोड़े से पानी में या टावल में भिगोकर रखते हैं तो यहाँ पे फंगस ना लग जाए। अदरक को मैंने 2 दिन की धूप लगवा दी थी, तो आप देख रहे हैं बिल्कुल सौंठ की तरह ही बन गया अदरक। और अगर हम अदरक सौंठ को भी लेते हैं पंसारी के यहाँ से तो उसकी भी रूट्स बनेगी। तो अब हम अदरक लेते हैं, पहले हम ये टावल लेंगे, टावल को हम भिगो लेंगे पानी के साथ और उसको अच्छी तरह से निचोड़ना है, बिल्कुल ड्राई कर लेना है। अदरक को मैंने ये टावल बिछा लिया और इसमें मैंने ये पॉलीथीन का लिफाफा और इसमें मैंने अदरक को डाला है ताकि इनको अच्छी तरह से नमी और गर्मी मिले। और इनको सबसे बड़ी बात ये है कि हमने डार्क और शेडी एरिया में रखना है। को हमारे रखे हुए टावल में रखे हुए 1 सप्ताह हो गया है, तो अब हम देखेंगे कि इसने कैसा कुछ डेवलपमेंट किया है। साथ ही साथ मैं एक आपको और बता दूं कि आप इसमें थोड़ा थोड़ा हल्का हल्का स्प्रे भी करते रहें, पानी का छिड़काव करते रहें ताकि हमारा टावल बिल्कुल ड्राई मत हो। तो अब हम देखते हैं कि इसने कैसा रिजल्ट दिखाया है हमारे अदरक ने। कुछ की हमारी यहाँ रूट्स बन गई हैं, कुछ हमारा ये रूट्स बनी है, पर उसने थोड़ा सा ये रिजल्ट दिखाया है कि हमारा अदरक ये बिल्कुल ख़राब हो गया है 1-2 पीस इसके। तो इसके लिए आप घबराएं नहीं, क्योंकि गार्डनिंग में ऐसा काम तो होता ही रहता है कि कुछ चीज़ें हमारी ख़राब भी हो जाती हैं। और ये देखेंगे इसने रूट्स बनानी शुरू कर दी हैं। अब हम फिर इसको स्प्रे करने के बाद ओनली सादे वाटर का स्प्रे करेंगे, और स्प्रे करने के बाद फिर मैं इसको तकरीबन 1 मंथ के लिए रख दूंगी। तो और बीच बीच में मैं इसको देखती रहूंगी, चेक करूंगी और टावल हमारा सूखे नहीं, उसके लिए मैं इस पर स्प्रे ज़रूर करूंगी। तो आप पानी की स्प्रे ज़रूर करते रहें, टावल पर हल्का हल्का स्प्रे करते रहें, ज़्यादा भी भिगोए मत ताकि हमारा ये अदरक है जो गल ना जाए और इसको नमी मिलती रहे। साथ में इसको डार्क और शेडी एरिया में रखेंगे, जितना डार्क एरिया में रखोगे आप उतनी इसकी रूट्स बहुत जल्दी बनेंगी। तो इसके लिए आप इसको डार्क प्लेस पे रखें। आज पूरा 1 मंथ और 20 डेज हो गए हैं इसको हमारे अदरक को रखे हुए, तो हम देखते हैं कि इसने क्या डेवलपमेंट करके दिखाई है। तो इसने बहुत अच्छी रूट्स बनाई हैं, मैं आपको एक एक करके दिखाती हूँ। अदरक ने बहुत अच्छी रूट्स निकाल ली हैं और उसने ये लीव्स भी निकालनी शुरू कर दी हैं। तकरीबन मेरे सभी जो अदरक के पीस थे वो सभी ग्रो हो चुके हैं, आप देख रहे हैं। और एक मैंने और एक एक्सपेरिमेंट किया था इसके साथ ही, 20 डेज के बाद मैंने एक प्याज, छोटा सा प्याज इसके अंदर रख दिया था कि उसकी मैं ग्रोथ देखूँगी कैसे बनेगी। प्याज ने भी बहुत अच्छी ग्रोथ करनी शुरू कर दी है, इसने भी अपनी रूट्स बनानी शुरू कर दी हैं। तो अब मैं आपको इनको ग्रो करना दिखाऊंगी और उससे पहले मैं इसकी जो सॉयल है उसके बारे में बताऊंगी कि इसको कैसी दोमट सॉयल चाहिए। और उसके लिए मैं ज़्यादा से ज़्यादा वुड ऐश, जिसमें पोटाश की मात्रा, पोटाशियम की मात्रा ज़्यादा होती है, वो यूज़ करूँगी ताकि जो हमारा ये अदरक है उसकी रूट्स
ये रूट्स ही हैं, रूट्स बननी ज़्यादा से ज़्यादा बने, तो हम मैं वो सोयल आपके साथ शेयर कर रही हूँ कि मैं कैसे सोयल तैयार करती हूँ। 25% मैंने ये गार्डन सॉयल ली है और 25% ही मैंने काउ डंग जो कि बिल्कुल डीकम्पोस्ट हो चुका है, और 10% मैं मस्टर्ड केक लूँगी जिसके मैं छोटे छोटे टुकड़े कर लूँगी जब मैं अपने पोट की सॉयल तैयार करूँगी, और 20% मैंने वुड ऐश ली है जिसको मैं मिक्स कर लूँगी, और इसमें मैं कुछ लकड़ी का बुरा डालूँगी, लकड़ी का बुरादा, ताकि जो हमारी सॉयल है वो सॉफ्ट बन जाए। और इसमें मैं 20% के करीब वर्मी कंपोस्ट, केंचुआ खाद जो कि हमारे प्लांट्स को गर्मी देगा और पोषकता देगा। केंचुआ खाद में नाइट्रोजन, पोटाशियम और कैल्शियम की मात्रा ज़्यादा होती है, तो इसमें ये चीज़ यूज़ करेंगे। जो मस्टर्ड केक है इसमें पोटाशियम की मात्रा ज़्यादा होती है और ये हमारे प्लांट्स को ग्रोथ देता है। आप मस्टर्ड केक का हर प्लांट में ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ करें, और वुड ऐश है जो, वुड ऐश पोटाश का एक बहुत अच्छा स्रोत है। और इसमें मैं एक और भी चीज़ डालूँगी, इसमें मैं कार्बन के लिए, क्योंकि हमारे प्लांट्स को कार्बन बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, कार्बन के लिए मैं कच्चा कोयला वो उसका यूज़ करूँगी, वो इस सॉइल में मिक्स करूँगी, और उसके बाद भी मैं एक लेयर थोड़े से दिनों के बाद डालूँगी जिसमें मैं कार्बन की मात्रा ज़्यादा रखूँगी, यानी कोयला, कच्चा कोयला जो हमारा लकड़ी से बनता है उसको मैं ज़्यादा यूज़ करूँगी। अब इसको मैं मिक्स करके पोट भर लूँगी, और ये मस्टर्ड केक के आप अगर पोट बना रहे हैं तो छोटे छोटे टुकड़े कर लें, अगर मेरे नए बिगनर हैं गार्डनिंग का शौक रखते हैं वो छोटे छोटे टुकड़े कर लें या वो पाउडर बना लें, तो तब वो उसमें स्मेल नहीं आएगी। अगर आप भिगो के इसको पानी देंगे, वाटरिंग करेंगे, तो आप एक दिन के लिए इसको भिगो के रख दें। अगर आप ज़्यादा लंबे टाइम तक रखते हैं तो इसमें मस्टर्ड केक में अजीब सी स्मेल लगती है। आप पोट बनाते हुए ऐसे इसको मिक्स कर लें। पोट के ड्रेनिंग होल में आप टूटे हुए गमले की डिक्री रख दें और उसके बाद सॉयल जो हमने बनाई थी वो डालें। कोयला, कई मेरे व्यूवर्स पूछते हैं कि हम कोयला कैसे यूज़ करें, या वुड ऐश पोटाश और पोटाशियम का बहुत अच्छा स्रोत है। अगर हम काउडंग का पानी या काउडंग डालते हैं तो उससे क्या होता है कि हमारी लीव्स बहुत ज़्यादा बढ़ जाती हैं। हमें यहाँ पे लीव्स नहीं चाहिए, हमें रूट्स चाहिए। हल्दी है, पोटैटो, लहसुन, प्याज और ये अदरक, इनको हमने काउडंग का पानी भी नहीं देना, हमने ओनली मस्टर्ड केक का पानी देना। मस्टर्ड केक आप ज़रूर यूज़ करें, ये एक ऑर्गेनिक चीज़ है, इससे आप डरे नहीं कि हमारे प्लांट्स मर जाएंगे। अगर आप DAP या यूरिया यूज़ करते हैं, केमिकल यूज़ करते हैं, तब आपके प्लांट्स की मरने की संभावना है। अदरवाइज़ अगर आप ये ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र यूज़ करते हैं तो उससे आपके प्लांट्स कभी नहीं मरेंगे। आपने ज़्यादा से ज़्यादा वुड ऐश जो कि हमारा पोटाशियम और पोटाश का स्रोत है, हमारी रूट्स ज़्यादा बढ़ती हैं, और कोयला, कोयला भी आप इसी सॉइल में मिक्स कर दें तो ये अपने आप ही डिसॉल्व हो जाएगा। तो मेरे कई व्यूवर्स पूछते हैं कि हम कोयला कैसे यूज़ करें। कोयला एक कार्बन का स्रोत है जो कि हमारे प्लांट्स के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अब हम सॉयल इसमें भर लेंगे और उसके बाद हम ये जो मैंने आपको दिखाई हैं अदरक की ऐसे पत्तियां भी निकलनी शुरू हो गई हैं, वो अब हम दबा देंगे। और एक बात मैं यहाँ पे और बताऊँगी, आप अगर इस तरह से मेरे वाले तरीके से करते हैं तो आप लिफाफे में होल कर दें। मैं आपको दिखाती हूँ, मैंने यहाँ पे होल कर दिए थे ऐसे, तो ताकि जो हमारे टावल की या कपड़े की, मोटे कपड़े की, कॉटन के कपड़े की नमी इसमें जाती रहे, नमी और गर्मी दोनों चीज़ें अगर हमारे प्लांट्स को पहुंचेंगी तो वो जल्दी जर्मिनेशन कर लेगा। अदरक को आप 2-2.5 इंच के करीब दबा दें, और ये सॉयल हमने हमेशा सॉफ्ट ही रखनी है ताकि इसकी रूट्स ज़्यादा से ज़्यादा बढ़े। वाटरिंग करूँगी वो मैं मस्टर्ड केक के पानी के साथ करूँगी। इसमें मैं काउडंग का बहुत कम यूज़ करूँगी क्योंकि हमें अपनी रूट्स को बढ़ाना है, पत्तियों को नहीं बढ़ाना।
हमेशा जो काउ डंक अगर हम यूज़ करते हैं तो उसमें क्या होता है कि हमारी पत्तियां बहुत ज़्यादा बढ़ जाती हैं जो कि हमें ज़रूरत नहीं है। बीस दिन के बाद मैं जो ये मैं अदरक का मैंने प्लांट लगाया था, आप देख रहे हैं उनकी लीव्स निकलनी शुरू हो गई हैं, उनको मैं फर्टिलाइज़र दूंगी वुड ऐश और लकड़ी का बुरादा, जो हमारा वेस्ट लकड़ी का चूरा, जिससे हमारी सॉइल सॉफ्ट भी बनेगी और उनको कार्बन भी मिलेगा, पोटाश और पोटाशियम, जिससे हमारे यहाँ रूट्स ज़्यादा डिवेल्प होंगी। और इसके साथ इसको देखते देखते मैं एक बात और बताऊंगी आपको कि मैं इसी पोट में, क्योंकि इसकी रूट्स नीचे बढ़नी शुरू होंगी, मैं ऊपर इन पर गुलदाउदी या दूसरे और प्लांट भी लगा दूंगी ताकि हमारी सर्दी में इनके साथ ही ग्रोथ बढ़ जाए। इस पोट में मैं गुलदाउदी की कटिंग लगाऊंगी जो कि हमारे सर्दी के लिए फूल तैयार हो जाएंगे फ्लावरिंग के लिए। कटिंग की ज़्यादा से ज़्यादा बर्ड्स को, फूल को और ज़्यादा से ज़्यादा पत्ती, इस इनके फूलों को, बर्ड्स को और पत्तियों को ज़्यादा से ज़्यादा काट दें ताकि जो हमारी कटिंग की एनर्जी है वो ओनली वो अपनी रूट्स बढ़ाने में करे। तो अब मैं इनको सभी को लगा दूंगी यहाँ पे और ताकि हमारे सर्दी के लिए ये प्लांट्स हमारे तैयार हो जाएं। आज नवंबर की 30 तारीख है, मैं आपको दिखा रही हूँ हम मेरे यहाँ अदरक की बहुत अच्छी ग्रोथ हुई है। जब ये लीव्स येलो होने शुरू हो जाएं तो इसका मतलब हमारी जो नीचे रूट्स हैं वो बहुत अच्छी डिवेल्प हुई हैं, ये सबसे बड़ी निशानी है इसकी कि ये बनना शुरू है हमारा अदरक, बिल्कुल रेडी है निकालने हार्वेस्ट करने के लिए। और आप देखें मेरे यहाँ बहुत अच्छी फ्लावरिंग हुई है सर्दी की गुलदाउदी, जो मैंने ये कटिंग से लगाई थी गुलदाउदी, और वैसे भी दूसरे फ्लावर भी। मेरी वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा लाइक व शेयर करें। थैंक्स।